हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लाउड नचेट। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम आरडीएस इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, रिलेशनल डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं एडब्ल्यूएस के अंदर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम जो आरडीएस सर्विस यूज करते हैं, रिलेशनल डाटाबेस सर्विस यूज करते हैं एडब्ल्यूएस के अंदर, उसका स्नैपशॉट कैसे लेते हैं। ठीक है, तो कल हमने जो आरडीएस सर्विस क्रिएट की थी, मैंने यहाँ पे एडब्ल्यूएस कंट्रोल पे लॉग इन किया हुआ है, तो कल हमने जो आरडीएस सर्विस क्रिएट की थी, जो हमने रिलेशनल डाटाबेस क्रिएट किया था एडब्ल्यूएस के अंदर, वो हमने प्रोडक्शन के साथ किया था, जहाँ पे मतलब बहुत सारे फीचर्स आते हैं। तो आज हम यूज करेंगे फ्री टियर वाला, फ्री टियर में कैसे हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास अभी डाटाबेस नहीं है, तो मुझे पहले डाटाबेस क्रिएट करना होगा स्नैपशॉट लेने के लिए। अगर आप यहाँ पे स्नैपशॉट पे जाते हो तो आपको यहाँ पे स्नैपशॉट नहीं दिखाएगा कोई भी, क्योंकि मेरे पास कोई स्नैपशॉट नहीं है अभी। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, एक डाटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। डाटाबेस पे जाएंगे हम, यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस। डाटाबेस कैसे क्रिएट करना है ये कल के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, वहां पे भी आप सीख सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, फ्री टियर वाले के साथ यूज करेंगे, क्योंकि लास्ट वाले में बहुत सारे ऑप्शंस देता है आपको, जो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था प्रोडक्शन के साथ, और फ्री टियर में मैं आपको क्या क्या ऑप्शन देता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे माई एसक्यूएल ही लेता हूँ, कम्युनिटी वर्जन में सेम रखता हूँ यहाँ पे भी। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। सो वर्जन दैट सपोर्ट ऑफ मल्टी एजेड क्लस्टर्स, सो वर्जन ऑफ दैट सपोर्ट मल्टी एजेड आरडीएस ऑप्टिमाइजेशन राइट्स। अगर आप ये ऑप्शन चेक यहाँ पे इनेबल कर दोगे तो सिर्फ वही ऑप्शन यहाँ पे आपको शो करेगा, मतलब वर्जन आपको शो करेगा। ठीक है, कल हमने यहाँ पे टेम्पलेट्स में प्रोडक्शन लिया था, आज मैं यहाँ पे फ्री टियर लूंगा। ठीक है, फ्री टियर के अंदर देखिए आपके जो अवेलेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी ऑप्शन है दोनों अनचेक हो गए, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे दोबारा प्रोडक्शन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए दोनों ऑप्शन आपको सारे ऑप्शन ये मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको फ्री टियर करूंगा, तो फ्री टियर में आपको ये सर्विस फैसिलिटी नहीं मिलेगी। सेटिंग डीबी इंस्टेंस आइडेंटिफायर नाम सेम रखूंगा मैं, योजना में एडमिन ही रखता हूँ, पासवर्ड में यहाँ पे सेट कर देता हूँ। उसके बाद इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन जो भी लेनी है, देखिए तो आपको यहाँ पे इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन जो फ्री टियर वाले में आपको यहाँ पे सिर्फ जो T2 माइक्रो और T2 माइक्रो की जो फ्री वाली आपके रिसोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है, बाकी कोई भी यहाँ पे देखिए सारी सारी ग्रेड आउट हो रखी है, कोई आप नहीं ले सकते हो, तो इसलिए वहाँ पे हम प्रोडक्शन लेके मैंने कल क्रिएट किया था। ठीक है, तो T2 माइक्रो ले लेते हैं हम, यहाँ पे T3 माइक्रो लिया हमने। यहाँ पे स्टोरेज टाइप यहाँ पे GP2 और GP3 आपको सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, मैग्नेटिक भी मिल रहा है आपको यहाँ पे, जो भी आप यहाँ पे लेना चाहते हो ले सकते हो। नॉट रिकमेंडेड है आपका जो मैग्नेटिक है वो नॉट रिकमेंडेड है, तो मैं यहाँ पे GP2 ही ले लेता हूँ, GP2 ले लेते हैं। स्टोरेज आपका देखिए यहाँ पे 200 GB दे रहा है, आप यहाँ पे कम कर सकते हो इसको, मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इनेबल स्टोरेज ऑटो स्केलिंग, इसको भी हम अनचेक कर देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं ऑटो स्केलिंग नहीं चाहिए, मुझे 200 GB तक ही यूज करना है, अगर उससे ज्यादा होगा तो मैं फिर मैनुअली इसको चेंज कर दूंगा सेटिंग, अगर मुझे चाहिए होगा तो। ठीक है, डू नॉट कनेक्ट EC2 इंस्टेंस कंप्यूट रिसोर्सेज, अब मैं इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे, और अगर कनेक्ट टू एनी EC2 इंस्टेंस EC2 कंप्यूट रिसोर्सेज, सेटअप एंड कनेक्शन टू EC2 कंप्यूट रिसोर्सेज फॉर दिस डाटाबेस, कनेक्ट करने के लिए आपका डाटाबेस से। उसके बाद IPv4 हम यहाँ पे इनेबल ही रखेंगे, VPC बाय डिफॉल्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको कस्टम VPC लेना है तो आप यहाँ पे क्रिएट करके कस्टम VPC क्रिएट कर सकते हो। DV सबनेट ग्रुप हमारा यहाँ पे डिफॉल्ट ही ले लेते हैं, अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। पब्लिक एक्सेस करवाना है कि नहीं करवाना, आप यहाँ पे येस कर दोगे तो पब्लिक एक्सेस हो जाएगा, अगर नो कर दोगे तो नहीं होगा, वो सिर्फ आपके इंटरनल EC2 इंस्टेंस होंगे या जो उस VPC के अंदर आपके EC2 इंस्टेंस होंगे, डाटाबेसेस होंगे, वहीं पे वो एक्सेस होगा। ठीक है, VPC सिक्योरिटी ग्रुप अगर आपको नया क्रिएट करना है तो नया क्रिएट कर सकते हो, अगर कोई पहले से क्रिएटेड है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो मैंने जो कल RDSSG के नाम से क्रिएट किया था मैं उसको ही सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। या फिर आप यहाँ पे नया क्रिएट कर दीजिए, सिलेक्ट नहीं करने दे रहा, तो नाम दे देते हैं यहाँ पे RDSSG। अवेलेबिलिटी जोन आपको रखना है कि नहीं रखना है इसका वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, तो हम यहाँ पे 2A ले लेते हैं। प्रॉक्सी नहीं करनी है हमें, डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन ऑथेंटिकेशन पासवर्ड से ऑथेंटिकेट करवाना है हमें यहाँ पे। मॉनिटरिंग इनेबल करनी है आप कर सकते हो, नहीं करनी तो आप छोड़ सकते हो इसको ऐसे बाय डिफॉल्ट। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में आपका डाटाबेस वगैरह नाम देते हैं यहाँ पे DB1, बाकी सेटिंग में डिफॉल्ट रखूंगा। बैकअप आपको इनेबल करना है कि नहीं करना है वो आप उसको सारे ऑप्शन देता है, इसको डिसेबल कर देता हूँ। इनक्रिप्शन भी मैं यहाँ पे डिसेबल करता हूँ।
और यहाँ पे इनेबल ऑटो माइनर वर्जन अपग्रेड, मेंटेनेंस के लिए तो मैं इसको भी अनचेक कर देता हूँ, हमें मेंटेनेंस नहीं करवाना, नो प्रेफरेंस। डिलीशन, डिलीशन प्रोटेक्शन अगर आपको इनेबल करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, नहीं करना तो आप अनचेक कर सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्रिएट डाटाबेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे जो आरडीएस इंस्टेंस मैंने क्रिएट किया वो आपका क्रिएट हो चुका है। डीबी आइडेंटिफायर नेम ये था हमारा रोल इंस्टेंस है, यहाँ पे इंजन एमएस एसक्यूएल कम्युनिटी हमने लिया है, यहाँ पे कहाँ पे मतलब रीजन अवेलेबिलिटी जोन क्या रखा है और साइज क्या रखा है, स्टेटस क्या है इसका अवेलेबल है, सारी चीजें आपको यहाँ पे शो कर देगा। इसके बाद आपको लेना है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने इसी डाटाबेस इंस्टेंस को सिलेक्ट करेंगे, एक्शन के अंदर जाएंगे। एक्शन के अंदर जाने के बाद देखिए आपको नीचे एक ऑप्शन देगा टेक स्नैपशॉट, ठीक है। या तो आप यहाँ से स्नैपशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो ये स्नैपशॉट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आते हो और यहाँ पे टेक स्नैपशॉट का ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके जो डीबी इंस्टेंसेज होंगे, जो आरडीएस इंस्टेंस आपने क्रिएट कर रखे हैं वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो मैं यहाँ पे डीबी इंस्टेंस का नाम सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे स्नैपशॉट का नाम दे देते हैं हम यहाँ पे आरडीएस स्नैपशॉट, और आपकी डेट डाल दीजिए आज की, आप जैसे मानते हो 28 नवंबर, ठीक है। और इसको टेक स्नैपशॉट कर दीजिए और ये आपके इसका स्नैपशॉट ले लेगा। अभी ये क्रिएट हो रहा है स्नैपशॉट आपका, 0% प्रोग्रेस हुई है, क्रिएटिंग स्टेटस है, ठीक है। और जो आपका स्नैपशॉट क्रिएट कर रहा है वो पूरा स्टोरेज यूज करेगा जितने से उसका वो है, और स्टोरेज टाइप आपका जो रहेगा GP2, और सारी चीजें ओनर कौन है, सेल पोर्ट नंबर 3 3 0 6, इंक्रिप्शन नो है अभी भी क्योंकि हमने पहले भी इंक्रिप्ट नहीं किया था इसको। तो इस तरीके से आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक हमारा स्नैपशॉट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे देखिए अभी ये आपका स्नैपशॉट क्रिएट हो रहा है, ये थोड़ा टाइम्स लगाएगा क्योंकि 200 GB का है, और स्टेटस आपको क्रिएटिंग आ रहा है, प्रोग्रेस 1% कंप्लीट हुआ अभी। अगर रिफ्रेश करते हैं तो मैं अभी भी 1% ही दिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये हमारा कंप्लीट होता है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी रिफ्रेश किया मैंने दोबारा से, आपका जो स्नैपशॉट है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, क्रिएटिंग स्टेटस आ रहा है बट प्रोग्रेस आपका कंप्लीटेड है। तो एक बार हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, स्टेटस स्टिल क्रिएटिंग ही है बट प्रोग्रेस कंप्लीटेड हो गई है। पर हम ब्राउजर से ही रिफ्रेश करते हैं इसको क्योंकि स्टेटस भी चेंज हो जाना चाहिए साथ में। तो यहाँ पे अभी हम जाते हैं और स्टेटस देखिए आपका अवेलेबल आ गया, कंप्लीटेड है। डीबी इंस्टेंस क्रिएटेड टाइम किस टाइम पर हमने ये क्रिएट किया है और वर्जन वगैरह क्या है, सारी चीजें वही आएंगी, 200 GB का है, GP2 हमने यूज किया है, और स्नैपशॉट का नाम क्या रखा है हमने, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। दूसरी चीज, अभी बहुत सारी ऑप्शंस आते हैं, मैं अभी आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर आपको रिस्टोर करना हो स्नैपशॉट तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम स्नैपशॉट कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। मतलब स्नैपशॉट से अगर आपको डीबी आरडीएस सर्विस को रिलेशनल डाटाबेस जो हमने कॉन्फ़िगर किया था इन सेंस उसको रिस्टोर करना है तो वो सब हम कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम कंप्लीट आरडीएस पढ़ेंगे यहाँ पे और आपके लिए ये काफी हेल्पफुल टॉपिक रहेगा। सो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट, बाय बाय।